नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आइए अनबॉक्सिंग करते हैं एक सेल्फ स्विच की, जो बाइक में लगता है। जैसे कि हमारा कोई भी बाइक, स्प्लेंडर, ग्लैमर, पल्सर, किसी भी बाइक में आप इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आपका स्विच ख़राब हो जाए, ये मैंने ऑर्डर किया है अमेजोन से, जो कि 48 रुपीज़ का पड़ा है मुझे। आइए मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा इसको कैसे इंस्टॉल करना है। डायग्राम बनाकर बताया हूं। इसी वीडियो में आपको मैं इग्निशन स्विच, सेल्फ मोटर, इनके कनेक्शन करने बताऊंगा, साथ में सेल्फ मोटर का कनेक्शन भी बताऊंगा। तो कुछ इस तरह से पैकिंग की हुई है। तो दोस्तों, इसका कवर उन्होंने कोई और पल्सर के जो बटन होते हैं उनका लगा के भेज दिया है, मगर इसके अंदर सिर्फ एक ही पुश बटन वाला स्विच है। इसका MRP 135 है, मगर हमें ये 48 का मिला है, 48 रुपये का, बहुत ही कम प्राइस में मिला है। तो इस तरह से ये पैकिंग किया गया है। आपको मैं बताऊंगा कैसे। इसमें दो वायर होती हैं सिर्फ दोस्तों, बहुत ही सिंपल है। इसकी एक वायर जाएगी इग्निशन स्विच में और जो एक वायर बचेगी वो जाएगी सेल्फ रिले में। ये इस तरह है, ये नीचे का है। इसके साथ नट बोल्ट नहीं मिले हैं, वो खुद से आपको लगाने पड़ेंगे, वो शायद नहीं आए हैं। बहुत ही आसान है फिट करना इसको दोस्तों। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, इसी तरह की वीडियो मैं लाता रहता हूँ। और दोस्तों, मैं कुछ डायग्राम बनाई है इसको कैसे फिटिंग करना है, कहाँ कनेक्शन करने हैं, तो मैं आपको समझाऊंगा। ये है इसकी डायग्राम, देख लीजिए। तो जो पहला कनेक्शन होगा दोस्तों, वो बैटरी में सभी को पता है कि प्लस और माइनस होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव। तो ये एक है सेल्फ रिले है, इग्निशन स्विच है, और ये सेल्फ मोटर है, और वो सेल्फ बटन है। तो जो प्लस वाली बैटरी की तार होगी वो आपके जाएगी, प्लस की तार जाएगी इस सेल्फ रिले में, पहली तार यहाँ पे जो बोल्ट लगे होते हैं दो। फिर दोस्तों, इसकी एक जो इस पे ऊपर दो तारें निकली हैं सेल्फ रिले की, इसकी एक माइनस तार होती है और एक प्लस होती है 12 वोल्ट के लिए। ये हमने यहाँ से ग्राउंड दे दिया, बॉडी को अर्थ दे दिया बैटरी का माइनस, और सेल्फ जो रिले में दो तारें निकली हैं उसमें से एक ग्राउंड देनी होती है बाइक में। आइए उसको ग्राउंड देते हैं दोस्तों। ये दूसरे बोल्ट की हमने सेल्फ को दे दी है, ये 12 वोल्ट सप्लाई दी है दोस्तों, और जो एक बची है तार सेल्फ की वो माइनस में अटैच हो जाती है, बॉडी के साथ अटैच हो जाता है, तो वहाँ से मिलता है इसको। दोस्तों ये देखिए, एक हमने यहाँ से ग्राउंड दे दी है, इसमें से एक वायर बची हुई है जो कि सेल्फ स्विच में जाएगी, ब्लैक वाली वायर है जो। बहुत ही सिंपल है इसके कनेक्शन करना, आप वीडियो बैक करके देख सकते हो कनेक्शन करने। दोस्तों ये हमने एक दे दिया स्विच में, 12 वोल्ट जाएगा इसमें, स्विच
में 12 वोल्ट दे दिया गया है रिले को ब्लैक वायर से। और ये देखिए 12 वोल्ट हमने यहाँ से ले लिया है इग्निशन स्विच से ब्राउन वायर से, और एक वायर जो इग्निशन स्विच को प्लस से देना है हमें 12 वोल्ट देना है इग्निशन स्विच को, जो कि ऑन करने पे 12 वोल्ट ब्राउन वायर में चला जाता है, वहीं से सेल्फ स्विच में, सेल्फ से सीधा फिर रिले में गया है, रिले से सीधा बटन दबाने पे ये देखिए दोस्तों हमने दे दिया इस 12 वोल्ट इग्निशन स्विच को दे दिया है। आप फिर से देख लीजिए एक बार कनेक्शन अच्छे से, बैक करके वीडियो देख सकते हो, बहुत ही आसान है, किसी भी बाइक में आप इंस्टॉल कर सकते हो। और जो इसका सेल्फ का हमें ये ग्राउंड देना है, ये आप क्लच स्विच के साथ भी दे सकते हो। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।